Three coins are tossed. Describe the following events. तो पहले तो हम ये तीन coins वाला sample space लिख लेते हैं. तो S is given by. अब जब तीन coins toss करते हैं, number of sample points is 2 raised to 3. बस हर outcome में दो ही possible outcomes आ सकते हैं. Head सॉरी हर टॉस में वी हैव ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स दैट इज हेड और टेल और तीन कॉइन टॉस किए इसलिए 2 raised to 3 सो दैट इज 8 तो 8 पॉसिबल आउटकम्स हमें मिलेंगे अब 8 का हाफ होता है 4 तो हम 4 बार हेड्स लिख लेते हैं पहले 1 2 3 4 फिर 4 टेल्स 1 2 3 4 अब 4 का हाफ दैट इज 2 सो 2 हेड्स फिर 2 टेल्स अगेन 2 हेड्स एंड 2 टेल्स अब 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल हैव h t h t h t तो ये आ गए हमारे 8 outcomes. So, therefore, the total number of sample points hai hamare 8. Ab, pehla case pucha hai, two events A and B which are mutually exclusive. Mutually exclusive yani dono mein koi bhi common outcome nahi hona chahiye. Let's see that. To suppose event A lete hai, getting all heads. तो इसमें इवेंट ए में जो फेवरेबल आउटकम है वो है एच 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 और इवेंट बी हम लेते हैं गेटिंग ऑल टेल्स सो बी के फेवर में एक ही आउटकम है टी 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 सो वी कैन क्लियरली सी कि यहां पर ए इंटरसेक्शन बी ये एक नल सेट है देयर इज नो कॉमन आउटकम इसलिए ये क्या हो गए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ये पहला केस हमारा सो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इज अ नल सेट नेक्स्ट कहा गया है थ्री इवेंट्स ए बी एंड सी विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए एंड एग्जॉस्टिव यानी उनका यूनियन से सैंपल स्पेस बनना चाहिए सो एक्सक्लूसिव भी होना चाहिए एंड एग्जॉस्टिव सपोज ए लेते हैं अगेन से गेटिंग ऑल हेड्स तो इसमें ए में एक ही आउटकम आता है एच 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 एंड सपोज बी हम लेते हैं गेटिंग ऑल टेल्स अब ऑल टेल्स में आएगा टी 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 एंड इवेंट सी लेते हैं हम गेटिंग वन हेड और टू हेड्स ओके तो इसमें अगर हम देखें ये बाकी के आउटकम्स आएंगे सो एच एच टी आएगा देन टी सॉरी एच टी एच ये आउटकम आएगा फिर एच टी टी ये वाला आउटकम फिर इसमें दो हेड्स है तो ये भी हम कंसिडर कर सकते हैं टी एच एच इसमें एक ही हेड है टी एच टी और इसमें भी एक हेड है देखिए टी टी एच तो ये सारे आउटकम्स में इधर यू विल हैव वन हेड और टू हेड्स तो अगर हम ध्यान से देखें ए इंटरसेक्शन बी ये एक नल सेट है इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है बी एंड सी इनका इंटरसेक्शन भी एक नल सेट है इन दोनों में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है एंड सी इंटरसेक्शन ए राइट इसमें और इसमें अगेन कुछ भी कॉमन नहीं है सो ऑल दीज थ्री इंटरसेक्शंस आर नल सेट्स
तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ए बी सी ये क्या हो गए, ये हो गए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब तीनों का अगर हम यूनियन करते हैं, देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसमें तो पहले आएगा एच एच एच, फिर आएगा टी टी टी, और ये 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स। सो एच एच टी एच टी एच एच टी 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 एच एच देन टी एच टी एंड टी टी एच, एंड इफ यू ऑब्जर्व इनके यूनियन से बनता है हमारा सैम्पल स्पेस। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी सी ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, बिकॉज द यूनियन रिजल्ट्स इन द सैम्पल स्पेस। तो ये एक्सक्लूसिव भी हो गए बिकॉज इनमें कुछ कॉमन नहीं है, एंड इनका यूनियन से सैम्पल स्पेस बन रहा है, तो ये एग्जॉस्टिव भी हो गए। अब तीसरा देखते हैं, द थर्ड केस। थर्ड केस में टू इवेंट्स ए एंड बी विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी उसमें कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। तो सपोज इवेंट ए को हम वैसे ही रखते हैं, से गेटिंग ऑल हेड्स, तो ए के फेवर में एक ही आउटकम आएगा, दैट इज एच एच एच। एंड बी को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बी में सपोज हम लेते हैं एटलीस्ट वन हेड, मतलब एक या उससे ज्यादा हेड होना चाहिए। तो इसमें जो आउटकम्स आएंगे वो है एच एच टी देन एच टी एच देन एच टी एच हो गया, फिर एच टी 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 एच एच देन टी एच टी टी एच एंड एटलीस्ट वन, मतलब एक हेड भी चलेगा, दो हेड्स भी चलेंगे और तीन हेड्स भी इसमें आ सकते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 आउटकम। सो बेसिकली इफ वी सी, यहां पर ए और बी में एक कॉमन एलिमेंट है। सो ए इंटरसेक्शन बी अगर हम करते हैं, वी हैव एच 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 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू अ नल सेट। इसलिए ए एंड बी जो है दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है। अब चौथा केस देखते हैं क्या दिया है। टू इवेंट्स ए एंड बी विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। ओके, एक्सक्लूसिव है लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं है। तो सपोज इवेंट ए लेते हैं ऑल हेड्स, तो इसमें आ जाएगा एच एच एच, एंड बी लेते हैं नॉट मोर देन वन हेड, नॉट मोर देन वन हेड। तो इसमें बी में अगर हम आउटकम्स देखें, एक से ज्यादा हेड नहीं आना चाहिए। तो एच टी टी ये चलेगा, टी एच टी टी एच एंड टी टी टी, एच टी टी एच टी 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 एच टी टी एच एंड टी टी टी। इसमें एक से ज्यादा हेड नहीं है, देखिए इसमें एक हेड है, इसमें एक भी हेड नहीं है। सो बेसिकली वी डोंट हैव मोर देन वन हेड। अब ये हो गए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव,
सी ए इंटरसेक्शन बी अगर हम करते हैं, दिस इज अ नल सेट. सो ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. सो दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. लेकिन अगर इनका यूनियन करते हैं, तो अगर इनका हम यूनियन करें, इससे हमारा सैंपल स्पेस तो नहीं आएगा, राइट? सो देयरफॉर दे आर नॉट एग्जॉस्टिव. तो सिंपल सी चीज याद करना, अगर इंटरसेक्शन नल सेट होता है देन द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और यूनियन से अगर सैंपल स्पेस बनता है तो वो इवेंट्स को हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव. तो यहां पर ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये एक्सक्लूसिव तो है लेकिन इनका यूनियन से सैंपल स्पेस नहीं बना, सो दे आर नॉट एग्जॉस्टिव.